नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल माइटी फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय है रोड या सड़क। सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, ये सब देख के आपको क्या याद आता है? सबसे पहले वहाँ पे लगने वाला जाम, होने वाले गड्ढे, जल भराव, प्रदूषण, यही सब। इस तरफ अगर सड़क के जो मुद्दे पर अगर हम ध्यान से अगर देखें तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते कि आखिर ऐसा होता क्यों है। गड्ढे, जल भराव, ट्रैफिक जाम, तो आज हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सड़कें जो बनके तैयार होती हैं और बड़े शहरों से गांव के लिए या छोटे शहरों के लिए जाती हैं या जो कनेक्ट होती हैं हाईवे के लिए, तो उन पर सबसे बड़ी एक समस्या रहती है कि बीच में डिवाइडर नहीं है, बिना डिवाइडर के सड़क बनाई जाती है, जिसे बोथ वे या टू वे रोड कहते हैं। टू वे रोड ठीक है, अगर रोड नहीं थी, रोड बना दिया, लोगों को सुविधा हुई, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो बोथ वे रोड पर जो होने वाले एक्सीडेंट, क्योंकि जनसंख्या हर जगह बढ़ी रही है और दिन प्रतिदिन जो व्हीकल हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो बोथ वे रोड पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि रात के समय में जो सामने से जो ट्रैफिक लाइट पड़ती है तो गांव के लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इस तरीके से चलाने का, जैसा कि मतलब जितना मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो बोथ वे रोड के होने की वजह से होते हैं। तो एक तो ये है कि अगर रोड बनाई ही जा रही है तो उसको हल्का सा चौड़ा भी बनाया जा सकता है और बीच में डिवाइडर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि रोड पर लाइट तो होती ही नहीं है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर रोड पर लाइट नहीं है, अगर रोड पर लाइट हो तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम डिवाइडर होना चाहिए, वन वे रोड होनी चाहिए जिससे हम होने वाले एक्सीडेंट को मतलब रोक सकते हैं। और जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए जो कि ऑटोमेटेड होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन वहीं होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। और कई जगह ऐसा होता है कि मतलब ट्रैफिक लाइट के बिना भी काम चल सकता है, तो हम एक सर्किल बनाकर और उस एरिया को थोड़ा सा चौड़ा करके, मतलब वो एरिया थोड़ा बढ़ाकर और सर्किल बनाकर, गोल चक्कर बनाकर वहाँ पे ट्रैफिक लाइट ना लगाएं और लोग आएं और राउंड लेके और निकल के जा सकते हैं, तो इस तरह से भी हम ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा आता है कि जब सड़क बनाई जाती है, जब भी सड़क बनाई जाती है तो 20 से 25 साल के लिए उसका एक समय होता है, 20 से 25 साल में ये सड़क टूटेगी, टूट पाएगी, इतनी इसकी म्याद है। लेकिन वो सड़क 3 या 4 साल में ही टूट के बराबर हो जाती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। ये कोई सी भी सड़क हो, बोथ वे हो या वन वे हो, कैसी भी सड़क हो, ये दोनों में ही होता है आजकल। और उसमें फिर जब बारिश के समय पर पानी भी भर जाता है, तो जब व्हीकल वहाँ से निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये गड्ढा कितना गहरा है, तो जाहिर सी बात है जब उसमें से उनका पहिया निकलता है तो कई बार फंस जाता है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्पीड होती है कि 45 या 60 की स्पीड पे बंदा जा रहा है और अचानक गड्ढा आ गया, तो उस स्थिति में वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। एक स्थिति एक्सीडेंट की ये होती है। एक कभी कभी ये होता है कि बंदा जा रहा है 45 या 60 या 70 की स्पीड में, या फिर अगर हाईवे है तो हो सकता है 80 की स्पीड में भी जा रहा हो, और सामने अचानक एक गड्ढा आ जाता है। वो गड्ढे से बचने के लिए लेफ़्ट या राइट होता है, तो तभी दाएं या बाएं से कोई व्हीकल आ रहा होता है तो उसे मार के निकल जाता है। तीसरी स्थिति ये होती है। तो इस स्थिति में, जैसा कि मैंने तीनों स्थिति बताई, आपने एक चीज़ नोटिस की कि दो स्थिति में व्हीकल का टकराव नहीं था, तीसरी स्थिति में व्हीकल का टकराव था, तो नाम ये दिया जाता है केवल 33% जो एक्सीडेंट होते हैं वही व्हीकल के टकराने से होते हैं, बाकी जो एक्सीडेंट होते हैं वो सड़क की खराबी से होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो लगभग 100 या 95% जो एक्सीडेंट होते हैं वो सड़क की खराबी से ही होते हैं, क्योंकि स्पीड से, एक स्पीड लिमिट अगर लगा दी है तो अगर उस स्पीड में चला रहा है बंदा और
उसकी ड्राइविंग ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम चांस हैं वन वे रोड पे कि एक्सीडेंट होगा, होगा नहीं। दूसरा ये है कि हमारे इंडिया में लेन सिस्टम नहीं है। लेन सिस्टम का मतलब मैं बता दूं कि अगर जैसे कोई रोड है तो उसमें वाइट कलर की एक डॉटेड पट्टी होती है, तो उनके भी मतलब होते हैं अलग अलग। जैसे डॉटेड पट्टी है अगर, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे लेन चेंज हो सकती है, लेन चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें इंडिकेशन देना होगा, चाहे वो हॉर्न से देंगे या इंडिकेटर के थ्रू देंगे, तो वो हम लेन चेंज कर सकते हैं। एक होता है कंटिन्यू अगर वाइट पट्टी है या येलो पट्टी है, उस तरह का लेन होती है, उसका मतलब ये है वहाँ पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो आपको सिग्नल देना हो या कुछ देना हो, लेकिन आप वहाँ पे लेन चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पे ही आप लेन चेंज करेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ लेन बनाई तो जाती हैं बस इस वजह से कि हाँ जी ये जो हाईवे है या फिर ये रोड है ये इतने लेन का है, बस ये दर्शाने के लिए, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता, ना उसको फॉलो कराया जाता है। तो इसको फॉलो कराना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जब सड़क बनाई जाती है तो वो 20 से 25 सालों के लिए बनाई जाती है, लगभग उसकी जो मियाद होती है वो 20 से 25 साल होती है, चाहे वो सिंगल रोड हो या डबल रोड हो, वन वे हो, बोथ वे हो, कोई सी भी रोड हो। तो लेकिन जब उसमें तीसरे या चौथे साल में गड्ढे पड़ जाते हैं, जल भराव हो जाता है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, और आखिर ये गड्ढे इतनी जल्दी पड़ते क्यों हैं? अगर तार कोल की सड़क बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर अच्छा मटेरियल लगा जाएगा तो वो 20 साल तक वो सड़क कहीं नहीं जाएगी और उसमें कोई गड्ढा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तार कोल की बजाय कोई तेल होता है, काला तेल या इस तरह की कुछ मिलावट होती है, तो उस तरीके का कुछ पदार्थ यूज़ करते हैं बनाने के लिए। खाली गिट्टी को एक लेयर बना के गिरा दिया, एक लेयर बना दी, उसको दबा दिया, उस पर वो तेल छिड़क दिया, तो वो 2-3 साल के लिए वहाँ पर बस जमा हो गई, सड़क बन गई बस, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो गिट्टियाँ हटती जाती हैं और गड्ढा पड़ता जाता है वहाँ पे। तो जब भी वहाँ से कोई व्हीकल निकलता है या बारिश पड़ती है तो वो गड्ढा और गहरा होता चला जाता है। तो यहाँ पर तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का विषय हुआ ये, जो सड़क में गड्ढे होते हैं। और एक दूसरा विषय एक और जो आता है कि जैसे मैं बड़े शहरों में या मेट्रो सिटीज़ में देखता हूँ कि मतलब रेड लाइट बहुत हैं, कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया या 2 बार एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर एक रेड लाइट लगा दी, ज़्यादा हुआ तो वो रास्ता ही बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से लोकल लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इस विषय पे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, लेकिन जहाँ जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, कॉलोनी में रहने वाले या जो उस बस्ती में रहने वाले, उनको बहुत दिक्कत होती है। 3-3, 4-4 किलोमीटर घूम के आना होता है, या आप ये सोचिए कि हर 500 मीटर या 600 मीटर पे एक रेड लाइट होगी, तो अगर आपको कहीं जाना है 10 या 12 किलोमीटर, उसको जाने में ही आपको 1 घंटा लग जाता है केवल क्या रेड लाइट की वजह से, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से ऐसा किया जा सकता है कि एक मतलब जाने का रोड एक कर दिया जाए वो, और फिर आने के लिए एक रोड अलग कर दिया जाए, या फिर ऐसा किया जा सकता है रोड को डाइवर्ट किया जा सकता है, या फिर रोड को चौड़ा करके गोल चक्कर बनाया जा सकता है। लेकिन ये कर देना कि जहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है या फिर या कुछ हुआ है तो बस वहाँ पे लेके एक रेड लाइट लगा दी। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बदरपुर बॉर्डर से मेहरौली के रास्ते से अगर आप पहलादपुर होते हुए और नेहरू प्लेस के लिए जाते हैं, तो ये लगभग 9 या 9.5 किलोमीटर का रास्ता है, और इसमें लगभग 11 रेड लाइट पड़ती हैं। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जो बदरपुर बॉर्डर से नेहरू प्लेस के लिए जो रास्ता जाता है, तो 9 या 9.5 किलोमीटर के रास्ते पे 11 से 12 रेड लाइट पड़ना, और इतने किलोमीटर के लिए लगभग आदमी का 40 से 45 या 50 मिनट तक खर्च हो जाना, और इसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो ये तो गलत है, कोई और रास्ता देखना चाहिए। ये बातें हो गई जो मेट्रो सिटीज़ की हो गई, गाँव की हो गई। अब बात आती है कि ये सड़क वाला जो मुद्दा है, ये हमारे घर के लिए भी, जो हमारा घर होता है
उसके सामने की जो सड़क होती है वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करता है। जैसे मान लीजिए सड़क बनाई, फिर सड़क में गड्ढे हो गए, टूट गई, जो कि 2-3 साल में हो ही जाता है आज के समय में। फिर उसके ऊपर एक और सड़क बना देते हैं, तो वो सड़क लगभग 1 फीट के आसपास ऊंची बनती है वो सड़क। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे घर होते हैं या जो भी है, दुकान है, घर हैं, तो जब 3 या 4 बार वो सड़क बन जाती है, तो आप कितना भी ऊंचा घर बनवा लें या कहीं के कहीं पे भी ले लें, तो वो लगभग 15 से 20 साल के बाद वो लेवल में आ जाता है। और फिर लेवल में आने के बाद एक समय ऐसा आता है वो सड़क से नीचे हो जाता है, तो जिससे जल भराव होने लगता है हमारे घर में, और वाटर फ्लो भी बिगड़ता है, और भी कई तरह की दिक्कत आती हैं। ज़मीन से नीचे हो जाएगा तो अब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आएंगी। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि मकान की जो कॉस्ट है वो बहुत ही डाउन हो जाती है। जब आप उसको बेचने के लिए या सेल करने के लिए जाते हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि ये घर तो आपका नीचा है, ये तो हमें तोड़वाना ही पड़ेगा और इसमें भराव भी करवाना पड़ेगा, तो बस केवल एक ज़मीन की कीमत आपकी ये रह गई है। तो ये सब हुआ क्यों? हुआ इसी वजह से कि जब वहाँ पे सड़क बनती रही, उसका या तो किसी ने विरोध नहीं किया या फिर कोई मानता नहीं है। जब कोई कहता है तो कोई मानता कौन है? गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई, कोई जो कर्मचारी है, कोई नहीं मानता। बस सड़क के ऊपर सड़क बनवा दी और हमारे घर नीचे हो जाते हैं, तो उनकी कीमत भी कम हो जाती है और वाटर फ्लो वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। एक और समस्या है जो सड़क से जुड़ी हुई, वो है फुटपाथ की। वैसे तो ज़्यादातर जगह से फुटपाथ होना चाहिए जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, लेकिन अगर फुटपाथ नहीं होता तो जहाँ पर रोड बनती है उसके किनारे किनारे ईंट का एक खरंजा टाइप का बिछाना चाहिए, या ईंट की एक लेयर बिछा देनी चाहिए, जिससे कि एक तो जल भराव नहीं होगा, लोगों को पैदल चलने में आसानी होगी, नहीं तो लोगों को सड़क पर पैदल चलना होता है। जब आप ही अंदाज़ा लगाइए, जब लोग सड़क पर पैदल चलेंगे तो व्हीकल कहाँ पर चलेंगे? तो जब सड़क बनती है तो सड़क बनाने के साथ ही ये ज़िम्मेदारी होती है कि पैदल वाला आदमी किधर चलेगा और व्हीकल वाला आदमी किधर चलेगा, तो इसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। तो यही सब बातें हैं रोड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर। वैसे ट्रैफिक सिग्नल पर मैं एक अलग एक विषय बनाऊँगा, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर होने वाले कई गोरख धंधे हैं, जैसे कि लोगों से भीख मंगवाया जाता है, और भी कई तरह के हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का विषय यहीं तक। जो भी हमने बातचीत की रोड और ट्रैफिक सिग्नल को लेकर, वो आपको पसंद आई, या फिर अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर दीजिए, जो कि स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रही होगी। और अगर इसमें कोई संशोधन चाहते हैं, या फिर कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ और भी सुझाव हैं, तो उनको भेजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।